सुबह की भूख के लिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम आपको आज एक हल्का फुल्का चटपटा नाश्ता बताने जा रहे हैं विद दिस लवली मॉम एंड द फाउंडर ऑफ जायका का तड़का, विजय हल्दिया जी के संग। मॉम रेडी है? ये नाश्ता ऐसा है जो मेरा फेवरेट है, जो मॉम बचपन से हमारे लिए बनाती आई हैं। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। सो मॉम स्टार्ट करें रेसिपी। बहुत ही सिंपली और हेल्दी है, बहुत ही सिंपल और हेल्दी। बनाकर खा लो आप 24 आवर्स में इसको। हाँ, इनफैक्ट अगर आपके पास घर में कुछ भी नहीं हो तो गारंटी आप ये तो बना ही सकते हैं। ये होल व्हीट फ्लावर है, इसके मैं पैनकेक बना रही हूँ एकदम। वो लिया है मैंने हाफ बॉल। अब इसमें मैं 2 टीस्पून सेमोलिना, सूजी बारीक वाली, वो डाल रही हूँ। 2 चम्मच अपन फ्रेश कर्ड है वो डाल दिया इसमें। सॉल्ट डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये क्यूमिन सीड्स, जीरा, 1 पिंच टर्मेरिक पाउडर, हल्दी, ये ग्रीन चिली डाल रही हूँ चॉप की हुई, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ये धनिया पत्ती और थोड़ी सी अदरक ग्रेट की हुई है, बस ये ही इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर बना लेंगे। देखिए आटा, सूजी और दही हर घर में होता है। अगर आपके पास वेजिटेबल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसको झटपट बना सकते हैं, शाम को स्नैक्स के लिए, सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, टिफिन में रख सकते हैं, बच्चों के लिए। अभी आप देखेंगे जब ये सिकेगा तो कितना अच्छा दिखेगा, दिखने में और खाने में तो 4 चांद है। ये मेरा फेवरेट है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थोड़ी सी मैं हल्दी और डाल रही हूँ 1 पिंच, ताकि कलर अच्छा आएगा। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड लाइव वीडियोस लेके आते हैं आप ही की जैसे मॉम्स की किचन्स में। गारंटी आपके घर में भी ये ऐसा ही बनेगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मैश करना है अपने को विदाउट लम्प्स। ये देखिए लम्प्स नहीं रहे, बस इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी, ये रहेगी इस टाइप की फ्लोइंग, ये रहेगी। अब मैं इसमें ये नॉन स्टिक पैन रखा है मैंने, इसमें ये गर्म करने के लिए रख दिया है। तवा अच्छे से अपना गर्म हो गया है, इसमें मैं तमाम इसमें तवे को अच्छे से गर्म करना है। तवे को अच्छे से गर्म करना है और फिर ये स्प्रेड कर दीजिए आप। और फ्लेम को हमें कैसे रखना है मॉम? फ्लेम को अभी मीडियम, वो लो पर है अभी। तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें फिर फ्लेम को स्लो करके और फिर हमें इसको स्प्रेड करना है। बस आप पतला मोटा जैसे भी आप चाहते हैं उस टाइप का आप ये इसको स्प्रेड कर दीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे चारों तरफ। हम ऑयल घी किसी से भी बना सकते हैं, घी में, बटर में, ऑयल में, आप किसी में बना सकते हैं। अब इसको मैंने फ्लेम को थोड़ा तेज कर दिया है, तो ये मीडियम फ्लेम पे देखिए अब हमने फ्लेम को कर दिया है, इसको मीडियम फ्लेम पे करके अब सेक रहे हैं। तो जब हम स्प्रेड कर रहे हैं तो स्लो फ्लेम होनी चाहिए। स्लो कर दिया आपको स्प्रेड करना है ना इस पे, तो थोड़ी सिकाई भी अच्छी हो जाएगी। इसको अच्छे से सिक जाने दीजिए, अच्छे सिक जाने, फिर अपने इसको फ्लिप कर देंगे और ये हो गया, रेडी हो गया अपना। बहुत ही झटपट है पैनकेक। और देखिए इसमें आप रेड चिली पाउडर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, राइट? मैंने नहीं डाला, मैंने तो इसमें नमक, कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिली डाली और अदरक डाला है। और जब ये वाइट वाइट चला जाता है इसका मतलब मॉम कि ये सिक चुका है। ये सिक जाएगा और क्या, बस थोड़ा सा अभी कुक हो जाए। ये देखिए बहुत टेस्टी लगता है चटनी के संग, ग्रीन चटनी के संग या सॉस के संग इसको खाइए, या चाय के संग, बहुत बहुत मजा आ जाएगा आपको अपने। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका, एकदम झटपट बनने वाला है। अभी देखिए 5 मिनट हुए हैं हमें,
इस वीडियो में, और आपको 5 मिनट में एक पैनकेक आपका ये पैनकेक चीला जो आप बुलाना चाहते हैं। बट द पॉइंट इज कि आटे और सूजी के संग आप इसको बना सकते हैं, तो कभी भी कहीं भी झटपट बना सकते हैं इसको आप। ये देखिए, और बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये। ये आप खाएंगे ना तो ये मुट्ठी में आ जाएगा आपके, ऐसे करेंगे ना। हाँ, इतना सॉफ्ट होता है ये, इतना सॉफ्ट रहता है, ये कड़क नहीं होता है, गरम तो रहेगा ही सॉफ्ट। सो अब हम जब फ्लिप कर देते हैं मॉम, तो उसके बाद कौन सी फ्लेम रखते हैं? अभी मैंने फुल कर दिया इसको। अच्छा, तो जब हमने फ्लिप कर दिया है उसको, एक तरफ से अच्छे से सिक गया, फिर इसको फुल कर दीजिए। फुल कर दीजिए। सो देखिए, बन चुका है हमारा ऑलमोस्ट, ये बन गया है। देखिए, दो पैनकेक्स मॉम ने पहले से ही आपके लिए बना के रखे हुए हैं गार्निश के हिसाब से। तो ये देखिए, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड लाइव वीडियोस लेके आते हैं। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। बन चुका है हमारा पैनकेक, बन चुका है। गैस ऊपर कर दीजिए, ये देखिए एकदम सॉफ्ट, देखिए एकदम सॉफ्ट पैनकेक। ये मुझे मॉम्स के संग वीडियो करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपके लिए झटपट बनाती हैं। ये अभी हमने बनाया है, एकदम सॉफ्ट है मॉम्स पकड़ने में। ये देखिए, हाँ, सॉफ्ट है खाने में। तो जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। बनाइए इसको और खाइए इस झटपट नाश्ते में, या स्नैक्स में, या ब्रेकफास्ट में, अपने बच्चों के संग, फैमिली के संग। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं दोबारा 12:30 बजे फिर से। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।